स्वागत है आपका, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां बीजेपी पार्षद ने सभागृह में कीचड़ फेंका। वार्ड में जमा कीचड़ सामान्य सभा में लेकर पहुंचे बीजेपी। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सत्या राजपूत जुड़ गए हैं खबर पर। सत्या, क्या है पूरा मामला? सत्या, आपको हमारी आवाज आ पा रही है? सत्ता पक्ष कमर कर दी। जी सत्या, जी क्या आप सुन पा रहे हैं? सत्या जी, क्या है पूरा मामला? और भारी हंगामा के बीच यहाँ सत्ता पक्ष ने सभा का करते हुए वहाँ निकल गए। इसको देखते हुए सभापति ने सभा को स्थगित कर दिया है। और इस वक्त हमारे साथ सभापति मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या मामला था जिनके वजह से सत्ता पक्ष पर सभा को छोड़कर बाहर निकल गए। जी सर। देखिए, आज सदन की कार्यवाही चल रही थी और सदन के नेता होते हैं माननीय महापौर जी, और सत्ता पक्ष अपने कामकाज के लिए विषय लेकर के आता है। शहरित में, जनहित में विषय जब यहाँ पे लाए जाते हैं तो दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष में चर्चा होता है, चर्चा और उत्पन्न निर्णय होता है। पर आज मुझे देखने को मिला कि सत्ता पक्ष पूरा का पूरा सत्ता पक्ष महापौर समेत आज सदन छोड़ करके भाग गया। कतई उचित नहीं था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि आज सदन से जब सत्ता पक्ष ही अगर गायब हो जाए, ऐसी स्थिति में सदन कैसे चल सकता है और कैसे चलाया जा सकता है। मैंने निर्णय लिया कि आज की सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। अब वो कौन सा मामला था जिसके वजह से सदन गरमाया और सत्ता पक्ष ही सदन को छोड़कर बाहर निकल गए सदन से? देखिए, आज लगातार सदन में दोनों दल के लोगों ने, एमआईसी के सदस्यों ने, सत्ता पक्ष ने, विपक्ष ने, सारे लोगों ने आज काफी हल्ला गुल्ला किया। और दो विषय जो 42 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए की निरस्ती राज्य शासन के द्वारा किया गया है, उस विषय को लेकर के काफी विपक्ष के पार्षदों ने आज हंगामा किया है कि 40 करोड़ रुपए की राशि को राज्य शासन द्वारा निरस्त किया गया, जो पिछली सरकार डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त स्वीकृत किए गए थे। यह सारे स्वीकृत कार्य को निरस्त करते हुए मात्र 15 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, इस बात का उन्होंने यहाँ पे जिक्र करते हुए 40 करोड़ रुपए की मांग उस राशि को स्वीकृत करने की। और वहीं एक भैंस स्थान का विषय आया कि भैंस स्थान में जो वर्तमान में जो खाली जगह है उसमें ऑक्सीजन या गार्डन बनाया जाए, इस बात को लेकर विपक्ष और पक्ष दोनों सदन के आसंदी के पास में आ गए। ऐसी स्थिति में वहां पर काफी हो हल्ला होने लगा और को हल्ला में माननीय महापौर जी इस सदन को छोड़कर के भाग गए। महापौर, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, इसलिए ठीक से सदन संचालित नहीं कर पा रहे हैं। ये महापौर जी का कहना है। सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए थे, विपक्ष के लोग बैठे थे, दर्शक दीर्घा बैठे थे, अधिकारी बैठे हुए थे। मैंने 4.5 साल तक इस सदन की कार्यवाही को चलाया है और आज भी सदन की कार्यवाही को मैंने निष्पक्षतापूर्वक सदन की कार्यवाही की। एक समय तो ऐसा आया था जब पूरा विपक्ष इस सदन से बहिर्गमन करके चला गया था, उस पर भी मैंने बिना पक्षपात किए हुए सदन की कार्यवाही को लगातार जारी रखा और नगर निगम के कामकाज को पूर्ण किया। अगर ऐसा होता तो मैं विपक्ष के पार्षद होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूं,
हूं और उसके साथ उस सदन की कार्यवाही को स्थगित करता, किंतु मैंने उस सदन की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया। और माननीय महापौर जी का यह कहना कि सभापति ने पक्षपात किया, तो सदन में उपस्थित होकर के अपनी बात को मनवाते और अपनी बात को कहते तो ऐसा लगता कि वो सदन में सदनी पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। उस सदन की कार्रवाई से भाग जाना मुझे कतई उचित नहीं होता और मुझे ऐसा लगा कि सदन की कार्रवाई बिना महापौर जी के चले, बिना सत्ता पक्ष के चले, इसलिए मैंने सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी। आपने और हम हमेशा से देखते आए हैं कि जो विपक्ष होते हैं सदन का बहिष्कार करते हैं, लेकिन यहाँ सत्ता पक्ष ही सदन का बहिष्कार कर दिया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कतई सत्ता पक्ष कभी भी सदन का बहिर्गमन नहीं करता, लगातार विपक्ष के मुद्दों को, विपक्ष के बातों को सुनता है और उसके डट करके उसके मुकाबला करता है। किंतु मैंने 25 साल के इतिहास में मैंने तो विधानसभा की भी कार्रवाई देखी है, वहां पर भी विपक्ष कई विषयों को लेकर काफी हल्ला गुल्ला करता है, सदन की कार्रवाई बाधित करता है, सदन की कार्रवाई नहीं चलने देता और ऐसी स्थिति में सत्ता पक्ष डट करके मुकाबला करता है और अपनी बात को रखता है। पर आज मुझे पहला ऐसा अवसर देखने को मिला है कि महापौर समेत सत्ता पक्ष पूरा सदन से भाग गया। सत्ता पक्ष के बहिर्गमन से अनियमता आपको किस तरह की आपकी कार्रवाई होगी आगे की? देखिए, मैंने कार्रवाई को स्थगित की है। मैं चाहता हूं इस सदन में कार्रवाई मर्यादित ढंग से अपने बात को रखे, शहर के हित में रखे, निगम के हित में रखे, जनता के हित में रखे और एक सार्थक चर्चा हो। दोनों दल के लोग यहां पर बैठे और अपनी बात को सार्थक रूप से अच्छी बहस के रूप में यहाँ पर बहस में भाग लें और सत्ता पक्ष उनकी बातों को सुने और सुन करके यहाँ पर बहुमत के आधार पर निर्णय हो। तो अभी आपने सभापति से सुना जिनका साफ कहना है कि जो सत्ता पक्ष है वो मुद्दे के सामना ना करके भागने को मजबूर है। जानकारी के लिए